हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित वशिष्ठ, आपका फ्रेंड। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर जुडिशरी का, जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन आज ही आई है। अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है कि उस नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रखा मैंने उसके अंदर। तो ये नोटिफिकेशन अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। और हाँ दोस्तों, जो ये भी जुडिशियल एग्ज़ाम है, क्लैट है, इन सब के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर अलग से वीडियोज़ अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना भी कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो सबसे पहले प्री, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू। ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। एग्जामिनेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जुडिशियल एग्ज़ाम को। फिर जो प्री है उसको देख लेते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा। ये तीन पेपर होंगे और तीनों पेपर 100 100 मार्क्स के होंगे। जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो 5 मार्च 2020 को एग्ज़ाम होगा और 15 मार्च को प्री का रिजल्ट आ जाएगा। तो एक ही दिन में ये सारे के सारे प्री के पेपर निपटा दिए जाएंगे 100 100 मार्क्स के। फिर उसके बाद में जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर शिमला, मंडी और धर्मशाला के अंदर होंगे हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस का पैटर्न ये रहेगा कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आगे बताए हुए हैं इसी में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। जो मेंस के सब्जेक्ट है और प्री के सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं बट मेंस में कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 30 मार्च को होगा 2020 को। और उसके बाद में देख लेते हैं अब सब्जेक्ट्स, सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे वो हर एक पेपर का एग्ज़ाम 3 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा मेंस में। और उसके बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 200 200 मार्क्स का हर एक एग्ज़ाम होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज एग्ज़ाम्स। जो लैंग्वेज के एग्ज़ाम होंगे वो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 150 मार्क्स का और हिंदी का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर 1। ये कॉमन एग्ज़ाम है प्री में भी और मेंस में भी, सिविल लॉ 1। सिविल लॉ में सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सिविल लॉ 1 का ये सब्जेक्ट्स हैं और ये 200 मार्क्स का आएगा मेंस में और प्री में 100 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद में है पेपर 2। पेपर 2 जो है उसमें सिविल लॉ 2 जो है उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। प्री में 100 मार्क्स का और मेंस में 200 मार्क्स का आएगा ये। फिर उसके बाद में पेपर 3 जो है वो क्रिमिनल लॉ का है। इसके एग्ज़ाम में आएगा इंडियन पिनल कोड CRPC और सेक्शन 138 से 143 आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट का, हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 एज एप्लीकेबल टू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी आएगा। ये दो एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये दूसरे स्टेट के जुडिशियल एग्ज़ाम्स में कम ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो इस वजह से ये दो एक्ट भी ऐड किए हुए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने। प्री में 100 मार्क्स का और मेंस में 200 मार्क्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद में लैंग्वेज का एग्ज़ाम पेपर 4 होगा, ये सिर्फ मेंस में होगा जो है वो इंग्लिश का। इसमें एक ऐसे राइटिंग का पेपर होगा 100 मार्क्स का और दूसरा होगा ट्रांसलेशन का।
हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। टोटल मिला के 150 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, और इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो इसका स्टैंडर्ड होगा ग्रेजुएशन के लेवल का स्टैंडर्ड होगा। फिर उसके बाद में हिंदी का पेपर, हिंदी का जो पेपर होगा उसको डिवाइड करा है इन्होंने 3 पार्ट्स में। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन, इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद में ऐसे राइटिंग होगा, 3 टॉपिक दिए जाएंगे जिनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होगा 50 नंबर का। फिर उसके बाद में हिंदी की ग्रामर आएगी जिसमें एडियम्स और करेक्शन, मतलब कि मुहावरे लोकोक्तियाँ और जो कुछ गलतियाँ होती हैं उनको ठीक करना होता है, वो 20 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद में जो ये टोटल ये 100 मार्क्स का हो गया है हिंदी का पेपर। तो ये प्री और मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद में फिर होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी कहते हैं। ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 150 मार्क्स का होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, और इसमें जो मेंस क्वालिफाई करके जाएगा वो ही पर्सनैलिटी टेस्ट में एलिजिबल होगा। और पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, और जनरल जो इंटेलिजेंस है उसके रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कम से कम भी 45% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, 45% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए पास होने के लिए। और उसके बाद में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी बता रखी है, जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए मेंस के अंदर, हिंदी को छोड़ के। हिंदी जो है, हिंदी का जो पेपर होगा लैंग्वेज का पेपर 5, उसमें 33% मार्क्स होने चाहिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और टोटल मिलाकर जो है वो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको जोड़कर 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, एक्सेप्ट हिंदी, हिंदी के लिए 33% मार्क्स चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। तो ये पूरा पूरा सिलेबस था हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम का, प्री मेंस और इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग वीडियोस मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन्हें भी चेक करें। सारा कंटेंट जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। थैंक यू फ्रेंड्स।